समुदाय ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के नेतृत्व में बजरडीहा वार्ड के नई बस्ती में मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को उनकी अंतिम विदाई पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी लोगों ने उनकी तस्वीर पर फूल माला अर्पण किया और मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी किया। संस्था अध्यक्ष ममता ने बताया कि वो पुण्य आत्मा थी जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वर साम्राज्ञी के नाम से भी जानी जाती थी। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनके जाने से गायिका की क्षेत्र में एक युग का अंत हो गया है और अपूर्ण क्षति हुई है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। वह सभी लोगों से बहुत प्यार करती थी और बहुत बड़ी समाज सेवी भी थी और उनकी मधुर आवाज से उन्हें पूरे विश्व में पहचाना जाता था। अब उनके जैसा संगीत क्षेत्र में किसी का होना मुश्किल है। पूरे भारतवासियों के लिए यह बहुत ही दुखद घटना है। इस शोक सभा में समाज सेवी विजय कुमार, रहमत अली, अजरा बीवी, अनीश खान, विष्णु किरण देवी, आरजू अली, मोहम्मद करीम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जमील, तजीबून निशा, परवीन निशा, खतीजा खातून आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता लालता प्रजापति की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ममता है। कहाँ से आप लोग? मैं नई सुबह भूमि सामाजिक संस्था से हूँ। क्या हो रहा है आज यहाँ पे? आज यहाँ पे हमारे मुस्लिम समुदाय में इन लोगों के माध्यम से लता मंगेशकर जी को आज भावभीनी और श्रद्धांजलि दी जा रही है और हमारा पूरा देश एक ही ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी कोई नहीं कर सकता और उसी के लिए एक शोक सभा का आयोजन भी यहाँ पे किया गया था जहाँ पे महिलाएं उपस्थित थी और महिला और लड़कों ने मिलकर के यहाँ पे उनको मोमबत्तियां जला करके उनको उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया है कि वो जहाँ भी हो जिस रूप में हो और उनको मोक्ष मिले। और वो एक अच्छी आत्मा थी और उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। उनको स्वर साम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे हमारी टीम के मेंबर भी हैं, अनीश खान जी, रहमत अली जी, अजरा बीवी जी, किरण जी, सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोगों को बहुत दुख है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जिसको उपलब्धि कह सकते हैं वो हम लोगों के बीच से जा चुकी है और इसका पूरा देश ही शोक कर रहा है। ऐसी विभूतियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम ही आती हैं हमारे देश में जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता।